नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3X 5G वर्सेस Vivo T3X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A3X में 0.3 इंच जबकि T3X में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3X में 187 ग्राम्स जबकि T3X में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि A3X से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3X में 6.67 इंचेस जबकि T3X में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3X में 720x1640px HD प्लस और T3X में 1080x2408px FHD प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3X में 85.29% जबकि T3X में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि T3X में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेंसर देखने को मिलता है। और T3X की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3X में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T3X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और T3X में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3X में माली G57MC2 जबकि T3X में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3X में MediaTek Dimensity 6300 और T3X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो A3X में 4GB की RAM मिलती है जबकि T3X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3X में अप टू 2TB जबकि T3X में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3X में 5100 mAh जबकि T3X में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A3X में 3 कलर्स जबकि T3X में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3X में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3X की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A3X 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो T3X की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में T3X आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T3X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।